दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को करोल बाग में शराब की दुकानों पर छापा मारा और दो दुकानों को सील कर दिया। दिल्ली में डिपार्टमेंटल स्टोर नियम के तहत 15% शराब और बियर रख सकते हैं, लेकिन इन शराब की दुकानों में अनुमति के खिलाफ 100% शराब के स्टोर चलाए जा रहे थे। इस कार्रवाई के बारे में सिसोदिया ने कहा, पूरी दिल्ली में गड़बड़ी करने वाली शराब की दुकानों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। सरकार को शिकायत मिल रही थी कई जगह से कि डिपार्टमेंटल स्टोर के ठेके का लाइसेंस, डिपार्टमेंटल स्टोर का लाइसेंस लेके लोग शराब का ठेका चला रहे हैं पूरी तरह से, और लोगों ने काफ़ी शिकायतें की थी मुझको। तो हमने पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आज पूरे बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। जिन लोगों ने भी डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस लिए हुए हैं उनकी जाँच की जा रही है, और पूरी दिल्ली में जाँच की जा रही है, क्योंकि कानून के हिसाब से एक डिपार्टमेंटल स्टोर अपने यहाँ 15% वाइन और बियर रख सकता है, लेकिन उसको 85% और सामान रखना होगा, जबकि यहाँ सिर्फ नमकीन और एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी दुकानों पर भी इसी तरह की चीज़ निकल रही है। ये लोग 80-80%, 90-90%, यहाँ तक कि यहाँ तो 100% ठेका बना रखा है, जबकि इसका कॉन्सेप्ट है कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर में थोड़ा बहुत लेकर रख सक वाइन और बियर रख सकते हैं। तो ये नियमों के हिसाब से नहीं चल रही हैं दुकानें, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूरी दिल्ली से इस तरह की शिकायतें आ रही थी, तो इन दुकानों के खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई है वो करेंगे। सील कर रहे हैं दुकानों को और इनको कैंसिल भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी। आज भी दो जगह पर सर, आज भी कई जगह पर पूरी दिल्ली में चल रहा है, पूरी दिल्ली में कई जगहों पर चल रहा है ये कार्रवाई। तो अभी दो दुकानों पर तो कुछ पे मैं गया हूँ, लेकिन हमारे ऑफिसर्स की अलग अलग टीमें आज पूरी दिल्ली में एक्साइज डिपार्टमेंट की चल रही हैं।